केंद्र सरकार ने शुक्रवार को क्रूड पाम तेल, क्रूड सोयाबीन तेल और क्रूड सनफ्लावर तेल पर लागू बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर जीरो कर दिया है। बता दें कि पिछले साल से ही खाने के तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि सरकार और आम लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गई है। खाने के तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि क्रूड पाम तेल पर लगने वाले एग्री सेस को 20% से घटाकर 7.5% कर दिया है। वहीं क्रूड सोयाबीन तेल और क्रूड सनफ्लावर पर लागू एग्री सेस को 20% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह आरबीडी पामोलिन तेल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर लागू बेसिक ड्यूटी को 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। इस कटौती के पहले सभी तरह के खाद्य तेलों पर 20% का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर लागू था। इस कटौती के बाद क्रूड पाम तेल पर लागू प्रभावी ड्यूटी 8.5%, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर पर लागू प्रभावी ड्यूटी 5.5% होगी। इसके अलावा त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए अडानी विल्मर और रुचि सोया जैसी कंपनियों ने खाद्य तेलों की होलसेल प्राइस में 4 से 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। उम्मीद है कि दूसरी कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।